अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको भिंडी प्याज बनाना सिखाऊंगी। भिंडी प्याज के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसमें मैंने ये 1.5 पाव भिंडी ले ली है। इसको मैंने धो के इसको छोटा छोटा काट लिया है। 2 गट्ठी प्याज की ली है मैंने, उसको स्लाइस में काट लिया है। 1 टमाटर चॉप, 4-5 हरी मिर्चें चॉप हुई हुई हैं, 1/2 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और नमक हसबे ज़ायका। तो ये देखें, पैन मैंने ऑयल गरम करके प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। ये प्याज मेरी फ्राई हो रही है, मैं इसको बिल्कुल रेड नहीं करूँगी। थोड़ी सी ये सॉफ्ट होगी तो मैं इसमें भिंडी शामिल कर दूँगी। ये देखें सॉफ्ट हो रही है मेरी प्याज, शामिल कर दी इसमें। बहुत मज़े की बनती है ये फ्राई भिंडी भी कहेंगे इसको, और भिंडी प्याज भी। तो फ्राई करें, थोड़ा सा ये फ्राई होगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम ये सारे ड्राई मसाले इसमें शामिल कर देंगे। बहुत कम मसालों से ये बनती है और बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखो मैंने जो है इसमें पहले प्याज डाला, उसको सॉफ्ट करा, फिर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और अब इसमें मैंने भिंडी डाल दी। अब जैसे ही भिंडी थोड़ी सी कलर भिंडी का चेंज हुआ तो मैंने ये जो टमाटर काट के डाले हुए चॉप करे हुए थे वो सब डाल दिए इसमें। अब इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा कवर कर देंगे, तकरीबन 10 मिनट, जब तक भिंडी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करें। ये देखें भिंडी मेरी सॉफ्ट हो गई है 10 मिनट के बाद। अब मैं इसमें जो चॉप हरी मिर्चें हैं वो डाल दूँगी। बस ये डन हो गई है, बहुत जल्दी बनने वाली है, झटपट तैयार होती है ये भिंडी प्याज। आप सॉफ्ट कर लेंगी तो उसकी जो है उसका टेस्ट जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसकी जो है गज़ाइत बरकरार रखने के लिए आप इसको जो है, हम लोग थोड़ा सा कच्चा पक्का खाते हैं सब्ज़ी को, तो ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। बस ये डन हो गई है, मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ फाइनल प्रोसेस। ये देखिए इसका फाइनल लुक, मैंने डिश आउट कर दिया, ऊपर से मैंने हरा धनिया से इसको गार्निश कर दिया। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है और जल्दी तैयार होती है। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।